हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपको SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्योग्राफी का, जिसे कहते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न या फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज होता क्या है? बेसिकली ड्रेनेज होता क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला। व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज उसे कहते हैं जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर होता है वो वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू जब फ्लो होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। वेल डिफाइंड चैनल्स is known as drainage। अब जब basically water flow होगा तो वो अपनी shape भी बनाएगा, shape बनाएगा तो इसमें patterns बनते हैं। जो हमारे drainage होता है उसमें patterns बनते हैं। जो हमारे pattern होते हैं basically 4 types के होते हैं। These are of 4 types, 1, 2, 3 and 4। तो सबसे पहला जो pattern आता है वो आता है हमारा pattern of a tree। जो ट्री की शेप लेता है रिवर, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न। दूसरा जो हमारा पैटर्न आता है वो आता है हमारा, उसे बोलते हैं हम रेडियल, उसे बोलते हैं हम रेडियल। रेडियल वो पैटर्न होता है जो हमारी जब रिवर होती है वो ओरिजिनेट तो होती है हिल से, कहां से होती है? हिल से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। जो कोई भी रिवर ओरिजिनेट होगी हिल से और फ्लो होगी हर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो उस रिवर की जो शेप बनेगी, उस रिवर की जो शेप बनेगी उस शेप को हम बोलेंगे रेडियल। थर्ड जो हमारा पैटर्न आता है उसे बोलते हैं हम ट्रेलिस। थर्ड पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। ट्रेलिस वो पैटर्न होता है जब जो हमारी रिवर की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है वो पैरेलल होती है सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी के। जो हमारी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी होती है वो पैरेलल होती है सेकेंड ट्रिब्यूटरी के, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रेलिस। जो हमारा फोर्थ पैटर्न आता है वो आता है सेंट्रीपिटल। फोर्थ पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें जो हमारा रिवर होती है वो डिस्चार्ज करती है अपना वाटर छोड़ती है हर एक डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक डायरेक्शन में, और जो उसका पानी होता है वो डायरेक्शन में तो छोड़ती है, जो जो उसका पानी लास्ट में जो जमा होता है वो या तो फिर लेक में होगा या फिर किसी गड्ढे में होगा, डिप्रेशन में, कोई गहरी जगह में जब उसका पानी रुकेगा उसी शेप को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, सारे पैटर्न समझ आ गए चारों के चारों रिवर्स के। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको और भी दो तरीके में बांटा गया है। पहला आता है या तो वो अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, हमारे दो सीज आपको पता है इंडिया के मैप में, पहली जगह होता है अरेबियन सी और दूसरी साइड होता है बे ऑफ बंगाल। इस हिसाब से भी हमारे रिवर्स को कैटेगराइज किया गया है। जो हमारा थर्ड जो सिस्टम आता है वो आता है बेसिकली 3 टाइप्स में हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बांटा है। फर्स्ट आता है हमारा गंगा वाटर रिवर सिस्टम। गंगा रिवर वाटर सिस्टम। सेकेंड आता है हमारा इंडस रिवर वाटर सिस्टम एंड थर्ड वन इज
ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस के बारे में, इंडस रिवर वाटर सिस्टम। जो हमारी इंडस है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड की, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा इंडस का जो पानी होता है वो जो बेसिकली है वो दो जगह जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसे कहते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रही कि कौन कितना शेयर लेगा पानी का। बीच में हमारा वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आर्बिट्रेटरी कर लो, ठीक है। तो आर्बिट्रेटरी हुई और जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ये हुई हमारी 1960 में, और जो इसका आर्बिट्रेटर था वो था कौन, वर्ल्ड बैंक। इसका आर्बिट्रेटर था वर्ल्ड बैंक। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया का शेयर है इंडस में वो है 20% एंड जो पाकिस्तान का शेयर है वो है 80%। अब हम इंडस के बारे में पढ़ेंगे, इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। जो इंडस हमारी इंडस, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंडिया में, जिसे कहते हैं हम सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। ये वेस्टर्न रिवर है इंडिया की, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है हमारी बोकारचू ग्लेशियर से। बोकारचू ग्लेशियर है हमारा तिबेटियन रेंज में है, ये तिबेटियन रेंज मतलब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बोकारचू ग्लेशियर से। ये बोकारचू ग्लेशियर है हमारा कैलाश माउंटेन रेंज में, कहाँ पे है ये, कैलाश माउंटेन रेंज। तो क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आ जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी इंडस, तो ओरिजिनेट हुई थी बोकारचू ग्लेशियर नियर तिबेटियन रेंज और इन तिब्बत नियर कैलाश माउंटेन रेंज। जो इसका तिब्बत में नेम है उसे तिब्बत में जाना जाता है सिंगी कम्बन के नाम से, सिंगी खाम्बन, उसे हम बोलते हैं लाइन्स माउंट, ओके। ये तो बात होगी इंडस की। अब ये इंडस जो हमारी जो पाकिस्तान में एंटर करती है वो एंटर करती है चिलास रीजन से। चिलास जगह का नाम है चिलास, चिलास है कहाँ पे, दर्दिस्तान रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये चिलास का। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं मेन। सबसे पहले आ गई झेलम, रावी, चेनाब, प्यास एंड फोर्थ वन इज सतलुज। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो है चिनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो क्या है, चिनाब, ठीक है। जो चिनाब है वो दो डिस्ट्रीब्यूटरी से बनी हुई है। सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी चंद्रा और दूसरी है भागा, ओके। चंद्रा भागा कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमाचल प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती हैं, ओके। और ये रिवर फ्लो होती है हमारी 1180 किलोमीटर, रिवर 1180 किलोमीटर फ्लो हो जाती है इंडिया में, उसके बाद ही ये पाकिस्तान में एंटर करती है। मतलब पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ये जो रिवर है 1180 किलोमीटर फ्लो करती है कहाँ पे, इंडिया में, ओके। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है इसकी ये है झेलम, JHELUM, झेलम। झेलम के बारे में हम बताएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है।
इंडस की, ये ओरिजिनेट होती है वेरी नाग से। वेरी नाग एक जगह है कश्मीर में, पीर पांजाल रेंज के नियर। पीर पंजाल रेंज के नियर ये ओरिजिनेट होती है, और जो ये ज्वाइन करती है चेनाब को, नियर झांग इन पाकिस्तान। कहाँ पे ये ज्वाइन करती है? झांग इन पाकिस्तान में, झांग जगह है एक पाकिस्तान में, वहाँ पे ये ज्वाइन करती है किसको? चेनाब को। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है वो है रावी। रावी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से। कहाँ से? रोहतांग पास। रोहतांग पास हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू हिल्स के नियर, कुल्लू हिल्स इन हिमाचल प्रदेश, HP में है ये। HP से ओरिजिनेट होती है हमारी रावी रिवर, ओके। पाकिस्तान में एंटर होने से पहले जो हमारी रावी रिवर है वो चेनाब को ज्वाइन करती है, कहाँ पे? चेनाब को ज्वाइन करती है हमारी सराय सिंधु में। सराय सिंधु में ये चेनाब को ज्वाइन करती है और एंटर हो जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है बीस या फिर ब्यास। ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये ओरिजिनेट होती है बीस कुंड से। बीस कुंड कहाँ पे है हमारा? रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ये भी रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है वो है सतलुज।